वो कहते हैं ना, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उनका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तो बाबा ने कहा मशवरे देते रहो, हमें पता है हमें क्या करना है और किस तरह से बैटिंग करनी है। उसने दिखा दिया आज कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। क्या मैच रहा है आज, जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है न्यूजीलैंड के चारों खाने जीत कर दिए और क्लास की बैटिंग की है बाबर आजम और रिजवान ने। वाह, उन्होंने दिल खुश कर दिया कि किस तरह से उन्होंने खेला है। लेकिन जो मैंने जिस तरह से पहले कहा था, 150 जो है स्कोर बहुत पार स्कोर था, ऐसा नहीं है कि वो ब्लो पार स्कोर था। हमने देखा कि मैच किस तरह से आखिरी ओवर तक गया। शायद न्यूजीलैंड अगर अपने हाफ चांसेस को कन्वर्ट कर लेती तो वो पाकिस्तान को फंसा सकती थी। वो तो लास्ट पे जाके हैरिस ने, अगर हम देखें 17-18वें ओवर में जब उन्होंने वो शॉट एक दो खेले और वहाँ पर मैच को क्लोज इन कर दिया, नहीं तो लग रहा था कि शायद और एक ऐसे थ्रिलर की ओर मैच जा रहा है, जो कि उतना लेट तक नहीं जाना चाहता जिस किस्म की ओपनिंग स्टैंड मिली थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह की जलसी किसी मुल्क में नहीं देखी है। जिस तरह से सब कंटिनेंट में होती है ना, किसी की जीत हजम ही नहीं होती है, हम किसी के अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद आमिर के चेहरे से ऐसे मायूसी दिख रही है, या मैंने अहमद शहजाद को सुन रहा था तो उसको एक्सपर्ट पूछ रहा है हारिस के बारे में, कह रहा क्या किया बंदे ने, 150 ही तो किया था उसने PSL में और उसके बाद से 20-30 रन कर रहा है, क्या उतना ये किले फतेह कर रहा है वो। अरे भाई, उसने पाकिस्तान की बैटिंग को वो इंजेक्शन दे दिया है जो उनको चाहिए था, और वो बिलीफ जो चाहिए था उनको कि नहीं हम लोग मैच जीत सकते हैं, और जिताया बंदे ने। हाँ, भले ही आप सिलेक्शन प्रोसेस पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सिलेक्शन सही हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन बैक करना बाद में जीतने के बाद भी पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स उसको उस वक्त तारीफ़ें कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से इंजमाम अपना रोल प्ले कर गया था 92 में, उस तरह से ये बंदा इस वक्त कर रहा है। लेकिन नहीं, उन लोगों को जैसे लग रहा था दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह से हार जाए, ये मैनेजमेंट हट जाए, ये कप्तान हट जाए और हम लोग खेले। खेल एक हेल्दी कंपटीशन रखना अच्छी बात होती है, लेकिन जलसी खुद को खा जाती है। खैर, अगेन उनको मुबारक हो, और मेरे ख्याल से 10-15 रन पाकिस्तान ज़्यादा दे गया था। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हमें पता है कि अभी इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होना है, क्या इंडिया ब्रेव इनफ रहेगा युजवेंद्र चहल को खिलाने के लिए? इंडिया को छोड़ के हर किसी के पास एक लेग स्पिनर है जिन्होंने, या रिस्ट स्पिनर कह दो, जिन्होंने अच्छे विकेट्स लिए हैं, और मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल का उतना कोई खासा असर रहा है इस वर्ल्ड कप में, इंडिया के ओवरऑल लाइनअप पे। और युजवेंद्र चहल इज़ ए टू गुड बॉलर जिसको ड्रॉप किया जाए, और शायद से हमें मेरी नज़र में आज देखने को मिले कि हम शायद दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को खेलता हुआ देखे। अगेन जो टॉस जीतेगा मैच यूजुअली उसके हक में होगा, दो इंडिया चेजिंग फेवर करेगा, बट उनके ओपनर जिस तरह से फायर अप नहीं कर पा रहे हैं तो शायद से 160 अब वो जो भी हो मुश्किल हो चेज करना। तो देखते हैं कि सुपर संडे में पाकिस्तान के सामने कौन सी टीम आती है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा फाइनल देखने को मिले। और गुड लक टू बोथ इंग्लैंड एज वेल एज इंडिया, जो टीम मेरी टीम जो अच्छा खेले वो खेल के सामने आए, और जिस तरह दोनों इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा फेवरेबल अभी इस एज ऑफ नाउ इंडिया लग रही है। मुझे पता है कि 1992 की एनालॉजी पे लोग इंग्लैंड को देखना चाहते हैं, बट हैविंग सेड दैट कि अगर बाबर की तरह आज रोहित ऊपर से चल गया या वहाँ से बटलर चल गया तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक कांटे का मैच होगा, टाकरे का मैच होगा, और हम लोग संडे को देखते हैं कि कौन पाकिस्तान के सामने आता है। और मार्क माय वर्ड्स कि ये पाकिस्तान टीम अब अगर खासकर इंग्लैंड आ गई बहुत ख़तरनाक बन गई है, क्योंकि इनके पास बैटिंग लाइनअप अभी लग रहा है कि पूरी हो रही है, बॉलिंग तो इनकी पहले से पूरी थी। और उम्मीद करते हैं कि हम संडे को एक अच्छा सा मैच देखें, और ख़ासकर मेडिकल स्टाफ वालों की तो बहुत चांदी हो गई, क्योंकि पेट्रोल बहुत सारे लोग अभी लेके रखने वाले हैं जो मेरी तरह कमज़ोर दिल वाले हैं। और देखते हैं, वी आर ऑन फॉर द गेम, गुड लक टू द बोथ टीम इज इंग्लैंड एज वेल एज इंडिया, और पाकिस्तान को फाइनल के लिए गुड लक। और उम्मीद करते हैं कि ये जो
बुग्ज़ है ना, बुग्ज़ बाबर आजम जो भरा पड़ा है इस वक्त पाकिस्तान के उन एक्सपोर्ट्स में, वो उसे बाहर निकल आए और अप्रिशिएट करे कि पाकिस्तान ने लॉन्ग लॉन्ग टाइम है इस तरीके का कोई क्लास बैट्समैन नहीं देखा जो कंसिस्टेंट हो, जो यू नो जिसने वो टैग हटा दी उनसे और मैच जितवाना शुरू कर दिया। ये तो उसने उनको इंडिया को हराना शुरू दिखा दिया किस तरह से वर्ल्ड कप में हरा देते हैं, नहीं तो हमें पता होता था कि एक तरफा मैच होते थे। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप सब लोग मैच को एंजॉय करते रहेंगे, हम लोग भी अपने व्यूज़ देते रहेंगे। मेरे तो ये व्यूज़ है, आपके क्या है कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।